80 के दशक की खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस मंदाकिनी ने अपने दौर में क्या कमाल की मूवीज की थी, क्या इनके खूबसूरत सीन हुआ करते थे और ये क्या अपने बोल्ड अदाओं से 80 और 90 के दशक पर खूब राज किया करती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी पुराने दौर की खूबसूरत एक्ट्रेस को कैसे अपनी फिल्मों के सेट पर ऐसे सीन्स को शूट करने के लिए किस किस चीजों का सामना करना पड़ता था, क्या उस समय बोल्ड सीन्स करने के लिए कम्फर्टेबल रहती थी या नहीं और किस तरीके से मेकर्स इनसे ऐसे सीन करवाते थे, आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 80 और 90 की सबसे हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार है अभिनेत्री मंदाकिनी, जिन्होंने अपनी फिल्म में जो सीन शूट किए हैं उन्हें करने की आज तक किसी अभिनेत्री की हिम्मत नहीं होती है। जी हाँ, साल 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म में न जाने कितने ही बोल्ड फोटो शूट सीन फिल्माए गए हैं जो उस जमाने में काफी ज्यादा वल्गर माने जाते थे। पर इनका एक झरने वाला एक सीन है जिसमें ये ट्रांसपेरेंट कपड़ों के साथ दिखाई दी थी और उस समय इन्हें ऐसे शूट करना काफी अजीब तो लगता था, पर आजकल की अभिनेत्रियां अपनी फिल्मों के लिए न्यूड तक हो जाती हैं। लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी और लोगों ने उस बात का बहुत बतंगड़ बनाया। पर उस समय मेकर्स बोल्ड सीन्स को तरीके से फिल्माते थे और जब ये अपने बोल्ड सीन्स के लिए ही लोगों के बीच फेमस होने लगे तब हर फिल्म मेकर इनसे बेबी फीडिंग और झरने जैसे शॉट्स के लिए डिमांड करते थे। पर इनकी भी जिद होती थी कि अगर मुझे संजीदगी से कपड़े दिए जाएंगे तो ही मैं ऐसे सीन्स करूंगी, वरना नहीं करूंगी। हम आपको बता दें, पब्लिक में इन सब सीन्स की वजह से मंदाकिनी की इमेज बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। सब उन्हें सिर्फ और सिर्फ इन सीन्स की वजह से ही जानते थे। कोई तो कहता था कि इन्हें एक्टिंग करनी आती ही नहीं है, तभी तो ये ऐसे फिल्म कर के पैसे कमाती हैं। लेकिन आपको बता दें, ये एक ही तरह की फिल्में कर करके बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए इन्होंने एक बौद्ध के साथ शादी कर ली और बच्चों में उलझ गई। धीरे धीरे इन्होंने बॉलीवुड से भी नाता तोड़ लिया और अब फिर से ये अपने बेटे के साथ बड़े पर्दे पर और OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने आ रही हैं। तो दोस्तों, मंदाकिनी के इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।